सब्सक्राइब करिए मैडोवा केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स कैसे बनती हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स उसमें होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा जो हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आएंगे मेन सेल पर, वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल का डायग्राम है, इसमें आप देखिए डिफरेंट मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर दी है। ये माइक्रोविलाई है, दिस इज सेंट्रियोल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो डबल लेयर दिख रही है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। एंड ये जो आपको छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं, ये हैं लाइसोसोम्स। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज राइबोसोम। और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इधर हम बात करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को जो वॉल सराउंड कर रही है, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। और ये आप देख रहे हैं, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 है यहाँ पर, ये स्मूथ है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, और ये रफ है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये भी ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये है गोल्जी एपरेटस। तो जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको शो करे। तो अब हम वन बाय वन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, तो ऑब्वियसली वो होगी होगी, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको बाइंड करके रखने के लिए, उनके लिए एक बाउंड्री तैयार करने के लिए एक सेल होती है, एक लेयर होती है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, कि ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू आर पार नहीं जाने आने देती, एग्जिट और एंट्री नहीं करने देती है, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जिनको ये अपने थ्रू पास होने देती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो यहां पर हम बात करते हुए चलेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी गैस का या लिक्विड का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। क्लियर हुआ, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसी भी गैस या लिक्विड का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। सपोज करिए कि आपने कहीं पर अगर कैम्फर रखा है, या आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आप एक जगह अगर परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे पूरे रूम में उसकी स्मेल जो है वो स्प्रेड करती है। ऐसा क्यों होता है, डिफ्यूजन की वजह से। जहां आपने एयर में जो परफ्यूम है वो स्प्रे करा है, तो वहां उसके आसपास उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करती हूँ, तो थोड़ी देर में जो इस रूम में और लोग बैठे हैं तक स्मेल जाएगी, तो वो स्मेल कैसे जाएगी, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि मेरे आसपास जो है वो परफ्यूम की हायर कंसंट्रेशन हो गई, और जो दूर के मॉलिक्यूल्स हैं या दूर जो लोग बैठे हैं वो लोअर कंसंट्रेशन में बैठे हैं, तो क्या होगा, यहाँ मेरे पास से परफ्यूम की स्मेल दूसरे लोगों तक जाएगी और धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, जब तक पूरे रूम में एक सी स्मेल नहीं होगी। तो ये होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। सेकेंड इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर वॉटर मॉलिक्यूल का
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को ये अपने थ्रू एंटर और एग्जिट नहीं होने देती है, कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके थ्रू एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस जो है वो थ्री टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसो, आइसो का मतलब सेम, टोन का मतलब कंसंट्रेशन। तो जब आइसोटोनिक मतलब, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में ये मैंने कोई सेल रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी हमने लिक्विड जो इसके सराउंडिंग में है, कोई भी लिक्विड रखा है, तो इस सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन होगी और यहाँ जो इसके सराउंडिंग की कंसंट्रेशन होगी, वो दोनों कंसंट्रेशन सेम होगी। तो उसमें कोई भी चेंजेस हमको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम कोई भी चेंज नहीं आता है अगर सेल इस तरह के किसी भी सॉल्यूशन में रखी होती है जिनकी दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में अगर ये सराउंडिंग है और ये सेल है, तो ये जो है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जो सराउंडिंग में है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन, और जो ये सेल है ये इसकी कंसंट्रेशन कम है। आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ डॉट से इसको डेंस करके दिखाया, उससे क्लियर हो रहा होगा कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये कम है। मतलब यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पर वाटर कंटेंट कम है। तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर जो वाटर कंटेंट ज्यादा है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन कम है, तो ये इस तरह से अंदर की तरफ मूव करेगा। और जब ये अंदर पानी अंदर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी। बहुत इसका लाइव एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे कि अगर रेजिन्स को, रेजिन होती है किशमिश, अगर आप उसको वाटर में सोक करते हो तो आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो स्वेल अप हो जाती है। जो उसकी किशमिश की जो आउटर सेल होती है, जो वॉल होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंसिडर कर सकते हो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो आपको पता है जो किशमिश है अंदर से ड्राई होती है, वहां पे वाटर कंटेंट कम होता है, और जब उसको पानी में रखा तो उसके सराउंडिंग्स में पानी ज्यादा हो गया, तो पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और वो किशमिश जो है वो स्वेल अप हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी आप पल्सेस सोक करते हो, कोई भी ग्राम, राजमा, ये सब कोई भी चीजें आप जब सोक करते हो और वो स्वेल अप हो जाती है, तो वो क्या होता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, ऐसी जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स जब सूखने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल सेलर्स हैं उनके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने का पर्पस क्या है कि उनके सराउंडिंग में वाटर कंटेंट को बढ़ा दिया उन्होंने, और वो वाटर जो है उस वेजिटेबल के अंदर एंटर करेगा और वो वेजिटेबल जो है थोड़ा सा स्वेल हो जाएंगी, जो श्रिंक होने लगी थी वो थोड़ी स्वेल हो जाएंगी और वो एकदम फ्रेश लगने लगेगी। तो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक होता है जो सराउंडिंग्स है वहां पर कंसंट्रेशन कम है वाटर की एज कंपेयर टू सेल। मतलब सेल में जो है वाटर कंटेंट ज्यादा है और जो सराउंडिंग है उनमें वाटर कंटेंट कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये वाटर है ये बाहर की तरफ आएगा, ये उल्टा फ्लो करेगा, है ना, ये वाटर जो है बाहर की तरफ फ्लो करेगा, सॉल्यूशन की साइड में फ्लो करेगा, जो बाहर जिस सराउंडिंग में वो रखा हुआ है उसकी तरफ फ्लो करेगा। तो इससे क्या होगा, जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। बहुत इसका कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि जो पिकल्स होते हैं, अचार जो होता है, मैंगो कितना फूला हुआ होता है लेकिन जब वो उसका अचार बनता है तो वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, जब उसको धूप में रखते हैं तो क्या होता है वो श्रिंक करता है, या अचार बनाते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर तो वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जब आपने ऑयल में उसको रखा, सॉल्ट में रखा, तो वहां पर क्या है, वाटर कंटेंट कम है, तो वो वाटर कंटेंट जो है बाहर की तरफ निकल आता है। इसीलिए आप अचार को जो है या पिकल जब बनाया जाता है तो वो धूप में रखा जाता है,
जिससे उसका सारा वाटर ड्राई हो जाए, और वाटर ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर अचार जो है वो खराब नहीं होंगे। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशंस हो गए एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप 10th में भी पढ़ेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल हम लेंगे, सेल ऑर्गेनेल तो नहीं कहेंगे, जो सेल का पार्ट होगा मेन वो होता है साइटोप्लाज्म। जो ये जितना भी जेली लाइक स्ट्रक्चर इस सेल के अंदर भरा हुआ है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि जितना भी काम होता है फंक्शनल, जो हमारी बॉडी में ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो सारी, क्योंकि ये इसमें डीएनए होता है, डीएनए और जो हेरिडिटी क्रोमोसोम्स, जीन, डीएनए, ये सब क्या है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए इनको न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के सबसे बाहर जो है ये न्यूक्लियर एनवलप होता है, डबल वॉल्ड होता है, ये डबल लेयर होगा और न्यूक्लियस में डबल लेयर है, ठीक है, और ये इसमें पोर्स दे रखे हैं। पोर्स में क्या होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक, ऐसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि साइटोप्लाज्म, जो ये साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर ये जो पोर है, इन पोर का काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में ट्रांसफर होते रहते हैं। साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में इनके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस मिलता है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस जो है, दिस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस या राइबोसोम सिंथेसिस। इस न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्रोमोसोम भी होते हैं, क्रोमेटिन, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैंने इस तरह से शो कर रखे है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर मिलते हैं जीन। तो वो जीन जो है, जितने भी जेनेटिक करेक्टर होते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हो, तो या आप अपनी फैमिली में दादा दादी से, नाना नानी से, किसी से भी रिजेंबल करते हो, तो वो रिजेंबलेंस कैसे आई है, या आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में जो एक रिजेंबलेंस आती है, वो जीन्स की वजह से आती है। तो इसलिए इसका मतलब एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में जा रही है, तो ये काम करता है न्यूक्लियस, इसीलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए के सिंथेसिस में, ठीक है, न्यूक्लियोलस में ही आरएनए या राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। These ribosomes present on endoplasmic reticulum. अब देखिए, endoplasmic reticulum आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो दो मैंने endoplasmic reticulum बनाई है, एक है smooth और एक है rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic ER is endoplasmic reticulum. तो ये rough कैसे बना, जो endoplasmic reticulum है, जो nucleolus में ribosomes बने थे, वो राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आ जाते हैं, ये देखिए ये आ गया, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो रफ हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, सेल ऑर्गेनाइज के लिए जरूरी होता है, सेल के लिए जरूरी होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, उसकी फॉर्मेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप की हो गई, स्मूथ एंड रफ। रफ मैंने आपको एग्जाम एक्सप्लेन कर दी है,
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बच्चों, यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होता है या फैट का सिंथेसिस होता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो फैट बन रहा है या जो लिपिड बन रहा है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं बायोजेनेसिस, राइट। तो ये हो गया यहां तक बायोजेनेसिस। हम बात करते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है ये सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो जो सेल ऑर्गेनेल है उनको कुछ स्पेसिफिक नेम से कॉल करा जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का क्या काम होता है? एनर्जी जनरेट करना, ठीक है। तो जो सेल है, सेल को जितने भी फंक्शंस सेल अपने करता है, उसको जितने भी एनर्जी की जरूरत होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज एटीपी प्रोडक्शन मशीन, या इसको हम एटीपी प्रोडक्शन मशीन भी कहते हैं। एटीपी क्या होता है? ये एनर्जी करेंसी होती है। Have their own. इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना ही डीएनए और राइबोसोम्स रखता है। इसको बिल्कुल किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, अपना इसके पास खुद का डीएनए होगा और खुद का राइबोसोम होंगे। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी जो है, जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा किसी भी सेल का, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और आपको पता है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में इकट्ठी होगी, स्टोर होती है, वो होती है एटीपी की फॉर्म में। इसीलिए इसको हम करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। एटीपी को करेंसी ऑफ सेल, करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि इस एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको पावर हाउस कहते हैं। और ये जब भी जरूरत होती है सेल को अपनी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये देखिए, ये छोटे छोटे से बैग्स लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। और इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, जो भी इनके हमने नेम दे रखे हैं वो होते हैं इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपका निकनेम होता है, ऐसी इसका, इनका जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनको निकनेम दिए गए हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स मतलब जो खुद को ही खा जाते हैं, अपने को ही खा जाते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होगा? किसी भी चीज को डाइजेशन करने में हेल्प करना। दिस इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी वॉर्न आउट सेल्स होती हैं, जितनी भी टूटी फूटी सेल्स होती हैं, ये उन सबको खा जाता है। उन सबको ये हमारी जो बॉडी है उससे बाहर निकालता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। और ये आरबीसी में एब्सेंट होता है, आरबीसी में ये नहीं मिलता है। तो ये किस तरह से एक्ट करता है, क्यों सुसाइडल बैग, क्या एंजाइम इसके काम करते हैं? देखो जब भी कोई सेल डैमेज हो रही होती है, तो अगर वो बॉडी में ही पड़ी रहेगी तो वहां पर पॉइजन क्रिएट होने लगेगा। अब उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना जरूरी है। तो रिमूव कैसे करा जाएगा? पहले उसको डिस्पोज करा जाए, उसको डाइजेस्ट करा जाएगा। उसको डाइजेशन उसका कैसे होगा? ये जो लाइसोसोम्स है, जो भी सेल डेड हो गई होती है या उसमें कोई भी डिजीज हो गई होती है, तो क्या होता है, ये लाइसोसोम्स उसके पास जाते हैं और एकदम बर्स्ट हो जाते हैं, अपने को ही खत्म कर देते हैं हमारी बॉडी की सेल्स को बचाने के लिए। हमारी बॉडी को बचाने के लिए
ये खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं, और ये खुद जब बर्स्ट होंगे तो इनके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो उस डेड सेल के ऊपर या जो भी इंफेक्टेड सेल होगी उसके ऊपर पड़ते हैं और वो एंजाइम जो है उस सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये सुसाइडल बैग का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस। ये देखिए, ये गोल्जी एपरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही बनाया जाता है, हमेशा उसी के पास होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है ये उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इन लाइसोसोम्स की, क्योंकि देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन का काम होता है हमेशा ग्रोथ देना, तो ये जितने भी लाइसोसोम्स हो गए, या आप बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या सेल वॉल। सेल वॉल तो एनिमल सेल में नहीं मिलती है, ये तो प्लांट सेल में मिलती है, ये आपको पता है। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ अ एनिमल सेल। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो वो हम डिफरेंस भी समझेंगे, और इसकी आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, एनिमल सेल को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल को भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, पहले आज आप जो है ये एनिमल सेल को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और हर सेल ऑर्गेनेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, और जो भी मैं आपको लेक्चर देती हूँ बच्चों वो आपको नोट डाउन जरूर करना होता है। काफी कुछ मैं लिखती हूँ लेकिन इसके अलावा भी जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ यू मस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगा हो कि ये बहुत ही सिंपलर वे में जो है आपको एक्सप्लेन करा है मैंने, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर।